साथियों, आज ही के दिन 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 9 साल बाद आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय पहले उठाया था, बार बार उठाते रहे, कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। और आज के दिन हम मजबूर हैं कि वही 9 सवाल हमें फिर से उठाना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि इन 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहले ये डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे और ये है 9 साल 9 सवाल, 9 साल 9 सवाल। नौ साल 9 सवाल। Nine years 9 questions। 9 साल 9 सवाल। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि बार बार राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के समय कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सभी राज्यों में ये सवाल उठाते रहे, पर इसका जवाब नहीं आया सरकार की ओर से और खास तौर से प्रधानमंत्री की ओर से, क्योंकि ये सारे सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए थे। मैं ये 9 सवाल अब गिनूंगा, दोहराऊंगा और यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म किए गए हैं, और इसका पूरा नतीजा आर्थिक विषमताओं पर हमें देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। सवाल हमारा व्यवस्था से क्यों है प्रधानमंत्री जी, देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, क्यों और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्यों मित्रों को बेच रहे हैं, आर्थिक विषमताओं क्यों बढ़ रही हैं? तो ये पहला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और खास तौर से बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के संबंध में है। दूसरा सवाल कृषि और किसान से संबंधित है, कृषि और किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है? ये उनका वादा था, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई है? इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है, पहले किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई, संसद में भी इस पर बहस हुई, ये काले कानून पारित हुए, उसके बाद मजबूरी से प्रधानमंत्री ने इसको वापस लेना पड़ा। तब के समय कुछ बातचीत हुई किसान संगठनों के साथ और आज भी रद्द करते वक्त जो वादे किए गए थे, जो गारंटी दिए थे, आज तक वो पूरे नहीं हुए हैं। तीसरा सवाल प्रधानमंत्री से, ये हम लोग
ये तीसरा सवाल पिछले 3-4 महीने से हम कर रहे हैं, खास तौर से मित्रवादी पूंजीवाद का मिसाल जो हमें देखने को मिल रहा है, रोज कुछ ना कुछ मोनानी कहानी जो हमें उसको अखबारों में, टीवी में, मीडिया में, कई माध्यमों से हमें जानकारी मिलती रहती है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर लगाया गया, दिया गया है? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में, शेल कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? इस पर आप जानते हैं हमने 100 सवाल, हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में हमने 100 सवाल पूछे हैं, उसका एक भी जवाब नहीं आया है। और अभी ये प्रचार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक क्लीन चिट मिला है, ये बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है, ये भी साबित हो गया है। और भी सवाल उठते हैं और खास तौर से ये फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए हैं और ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है? चौथा सवाल भी राहुल जी ने बार बार भारत जोड़ो यात्रा के समय उठाया था, हमने भी उठाए हैं, बार बार हम उठाते रहते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है और खास तौर से चीन से जुड़ा हुआ है। जो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी, उसके वजह से हमें परेशानी भुगतनी पड़ी है। और हमारा इस संबंध में सवाल है, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले आप उसे, उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? पांचवा सवाल, अभी आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, एक वो अभी नया मिसाल है, और भी राज्यों में ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाया जा रहा है, सामाजिक सद्भाव जो बिगड़ा है, सामाजिक सद्भावना जो बिगड़ा है, उस पर यह सवाल है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर और माहौल बनाया जा रहा है? एक तरफ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ डर और धमकी और दूसरी तरफ समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत में बंटवारे की राजनीति का उपयोग किया जा रहा है अपनी राजनीतिक मकसद के लिए। छठा सवाल है हमारा सामाजिक न्याय से संदर्भ में, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि महिलाओं, आप देख रहे हैं जंतर मंतर में, ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर आप चुप रहते हैं? जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, वो जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा है, उसका भी जवाब नहीं आया। राहुल जी ने बार बार भारत जोड़ो यात्रा के समय इसकी मांग की, आप जानते हैं जब यूपीए की सरकार थी हमने जाति जनगणना की थी, पर बहुत से कारणवश जो मैंने पहले आपको बताया है वो प्रकाशित नहीं हो पाया। और हमारी मांग है और अनेक विपक्ष पार्टियों की मांग है कि जाति जनगणना होना जरूरी है, पर ये अभी तक इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाएं पर अगला सवाल है, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई हैं? पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को
क्यों कमजोर किया जा रहा है। आठवां सवाल, जन कल्याण की योजनाएं, मिसाल के तौर से महात्मा गांधी नरेगा, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसे जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया है? गरीब, आदिवासी एवं जरूरतमंदों के सपनों को क्यों आप कुचला जा रहा है? और हमारा अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री को हम याद दिलाना चाहते हैं, कोरोना मिसमैनेजमेंट आज हम भूल गए हैं, पर एक समय था कोरोना महामारी से सारा देश पीड़ित था। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि कोरोना के कारण और खास तौर से कोरोना मिसमैनेजमेंट के कारण, कुप्रबंध के कारण 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, 40 लाख लोगों की मौत के बाद भी उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया? क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों के घर को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया? तो साथियों, ये 9 सवाल हैं, 9 साल के 9 सवाल, भारत जोड़ो यात्रा के 9 सवाल, राहुल जी के 9 सवाल, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के 9 सवाल, कांग्रेस पार्टी के 9 सवाल और देश की जनता का 9 सवाल। तो ये 9 सवाल, 9 साल हैं, 9 सवाल हैं, और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है और जरूरी है। कल 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने 35 शहरों में इस 9 साल 9 सवाल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। कल और परसों 27 और 28 दोनों दिन होंगे, पर ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल ही होंगे। 27 तारीख को हमारे कई सांसद और हमारे कई सीनियर लीडर, कई नेता, पदाधिकारी सब लोग जाएंगे और इसका विमोचन भी होगा इन शहरों में। 9 सवाल 9 साल 9 सवाल का जो ये जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, जो रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट कार्ड है, ये मानकर चलिए कि ये एक रिपोर्ट कार्ड है। और इसमें हर एक सवाल के लिए जो बैकग्राउंड जानकारी जरूरत है उसमें दिया गया है, क्यों ये सवाल पूछा गया है, किस संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है और देश को क्या भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप है। ये रिपोर्ट कार्ड अंग्रेजी में है और हिंदी में भी, दोनों में आपने देख लिया होगा। मैं अभी पहले पवन से और बाद में सुप्रिया से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद जयराम जी। आज दरअसल प्रधानमंत्री को माफी दिवस मनाना चाहिए। पिछले 9 साल जिनका लेखा जोखा अभी जयराम रमेश जी ने आपके सामने रखा, उस लेखा जोखा को अगर आप देखते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ मिच्छामी दुखड़म कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा और दो शब्द के अलावा तीसरा नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारतीय से जिसके साथ विश्वासघात हुआ उससे वो माफी मांगे। जो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ते हैं तो लिखा हुआ आता है काल्पनिक है। पिछले 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप, जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए।
इतिहास में कि 900 साल पहले यह हुआ था, 800 साल पहले यह हुआ था, 700 साल पहले ये, किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। यह स्तर बना दिया आपने मेरे देश का, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए भारत से। किसानों की आय पर जयराम रमेश जी ने एक सवाल पूछा, दुगनी छोड़ दीजिए, अब तो किसान कहते हैं जो उस वक्त थी ना बस उतनी भर हमें मिल जाए वापस तो वही बड़ी कृपा होगी। उतनी भी नहीं छोड़ी जो 2014 से पहले मिलती थी, आप दुगनी की बात करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि काल्पनिक है आपकी हर बात। कोरोना काल में हम सबने त्रासदियां देखी, ऑक्सीजन नहीं, साहब जो थे हजारों की भीड़ इकट्ठी करते थे, शाम को जूम कॉल पे मास्क लगा के बैठ जाते थे। ये असलियत है इस सरकार की, असली चेहरा कुछ और जब वक्त आता है तो मुखौटा। तो मुखौटे और चेहरे का जो द्वंद्व है, पिछले 9 साल में वही इस देश ने देखा, कुछ नया नहीं देखा। हम फिर से मांग करते हैं कि आज से लेकर 31 मई तक जितने भी आयोजन करें, माफी जरूर मांगे इस देश से विश्वासघात के लिए जो इस देश के साथ पिछले 9 साल में हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद जयराम जी, धन्यवाद पवन खेरा जी जिन्होंने कुछ कहा। मैं आर्थिक मुद्दे पर ही अपनी बात केंद्रित रखूंगी, क्योंकि आर्थिक बदहाली जो इस देश ने पिछले 9 साल में देखी है वो त्रासदी बनकर उभरी है। क्योंकि 76 साल आजादी के बाद 9 साल एक अहम हिस्सा होता है उसका, और उस अहम हिस्से में बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का वो तांडव देखा है इस देश ने, और जो छुपाने की उसको कोशिश करी है वो वाकई त्रासदी है। आज असलियत यह है, अगर सरकार की ओर से ही देख लीजिए, सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या है, सीना ठोक कर बोलते हैं हम यूके के आगे की इकोनॉमी बन गए। दावा यह है, असलियत क्या है, यूके की एवरेज परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो $50,000 है, हमारी $7,000 है। तो जब झूठ भी बोलते हैं तो इतना लंबा बोल जाते हैं कि अपने आप ही अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सीना ठोक करके एक अपना दावा और करते हैं 9 साल का, क्या कहते हैं, हमने 86 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटा। हां, क्योंकि आप हमारे देश को इस कगार पर ले आए कि भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के चलते आपको वो बांटना पड़ा, और अब लोगों की आंखें खुल रही हैं क्योंकि गरीब देख रहा है कि आपने उसके साथ क्या क्या धोखा किया है। लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से एक बात देख ली जाए तो जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले आज के दिन प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार साल के दूंगा, अभी तक तो 19 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, उस प्रधानमंत्री को 71,000 वो चिट्ठियां बांटनी पड़ती है जो डाकिया घर लेकर जाता था। कहा 19 करोड़ रोजगार बनाने थे और कहा 71,000 चिट्ठियां बांट रहे हैं। यह असलियत है इस सरकार की। इस सरकार की यह असलियत है कि कोरोना का एक भी केस आने से पहले इस देश की अर्थव्यवस्था 8.2% से गिरकर 4.1% पर हो गई थी और 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। इस सरकार की यह असलियत है कि इनकी नाक के नीचे से, क्या वो ललित मोदी हो, क्या वो नीरव मोदी हो, क्या वो मेहुल चौकसी हो, क्या वो विजय माल्या हो, करोड़ों का चूना लगाकर पैसा लेकर इस देश का भाग गए और ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस सरकार के भ्रष्टाचार का ये आलम है कि 11 लाख करोड़ बट्टे खाते में अमीर आदमियों के लिए डाल दिए गए लेकिन किसानों के कर्ज माफी पर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। इनकी असलियत यह है कि 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए, जिन 27 करोड़ लोगों को हमने ऊपर उबारा था 4 से 14 के बीच में। इस सरकार की यह असलियत है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी क्या कहते थे, मित्रों रुपए की साख और प्रधानमंत्री की साख प्रतिष्ठा एक बराबर है, जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है।
53 पर रुपया मिला था, आज 83 पर है। कहते हैं हम सबसे सस्ता तेल बुला रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं रशिया से, तो महानुभाव हमारा पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता क्यों नहीं हो रहा? आखिरी बार दाम सस्ता कब हुआ था, यह देश की जनता जानना चाहती है। इस सरकार ने पढ़ाई महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, अस्पताल की बेड महंगी कर दी, रेलवे की यात्रा महंगी कर दी, और इसीलिए मैं कहती हूं कि बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार का जो तांडव इस देश ने देखा है वो वाकई में त्रासदी है। कर्नाटक ने एक संदेश दिया और वो संदेश भाजपा ना पढ़ना चाहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन संदेश ये है और संदेश बड़ा है, और एक के बाद एक नए नए सर्वे आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से अब सामने आ रहे हैं। इस देश के सामने मूलतः तीन समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई और निरंकुश भ्रष्टाचार। अडानी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी की बात करो तो पकौड़ा तलने की हिदायत देंगे, पकौड़ा भी तल लेंगे साहब, लेकिन जो गैस का सिलेंडर 400 पे मिलता था उसको भी आपने 1200 कर दिया है। आटे पर भी आपने जीएसटी लगा दिया है, सरसों के तेल को 90 से 250 पहुंचा दिया है। और महंगाई की बात करो तो सरकार खड़े होकर कहती है हम तो जी लहसुन प्याज ही नहीं खाते, आप मत खाइए लेकिन लोगों की थाली में प्रहार मत करिए। मेरा अपना मानना है इन सब बातों का जवाब मिलना जरूरी है, और 9 साल में बाकी जो जयराम जी ने आपको संस्थाओं के बारे में बताया, जो पवन जी ने आपको माफी की बात करी, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा तो एक चैलेंज भी है और एक गुजारिश भी है, महोत्सव मनाना चाहिए सरकार को 9 साल का, महोत्सव मनाना चाहिए अपनी नाकामी के 9 सालों का, और लगे हाथ प्रधानमंत्री महोदय एक प्रेस वार्ता जरूर कर दें बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, कुछ सवाल ले लें, कुछ सवाल लेकर एक प्रेस वार्ता कर दें तो हम चुप हो जाएंगे, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब से भागते हैं और सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। आजी, आपके सवाल, देश के सवाल तो हो गए, आपके सवाल इन सवालों पर, मैं जानता हूं आपके कई सवाल हैं इन सवालों पर। हाँ मौसमी, पहले हम इन सवालों पर सवाल लें, बाद में आपके मन में जो है हेडलाइन के पीछे वो बाद में हम करेंगे। सर लगातार सरकार के तमाम मंत्री 9 सालों पर प्रेस वार्ता करेंगे और गृह मंत्री ने उसकी शुरुआत भी की। उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस पार्टी अभी डिसिल्यूजन्ड है और अहंकार से डूबी हुई है, और अगर ऐसा ही चला तो लोकसभा के आने वाले चुनाव में अभी तो मुख्य विपक्षी दल का ये रुतबा घोए हैं और बिल्कुल साफ हो जाएंगे लोकसभा के आने वाले चुनाव में। मैं क्या कह सकता हूं, कर्नाटक के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वही स्वघोषित चाणक्य ने क्या कहा कर्नाटक में, और क्या नतीजा हुआ देखने को मिला। तो ये सब बोलने की बातें हैं। कर्नाटक ने पहले हिमाचल में, बाद में कर्नाटका में, ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री से लोग थक गए हैं, और गृहमंत्री कुछ भी बोले पर उनकी जो पब्लिक रैलियां हुई मैंने खुद देखा है, उसमें लोग नहीं आए, और खुद वीडियो पर वो दिखाई दिए गए कि उन्होंने पूछा क्या यहां लोग क्यों नहीं है। तो 2024 में क्या होगा उस पर अभी ये मौका नहीं है, ये वक्त नहीं है, उसके पहले 5-6 राज्यों में चुनाव होंगे, उसकी तैयारी में हम लोग हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि जो जनादेश कर्नाटका में मिला है वो हमारे अन्य देश राज्यों के लिए भी एक बहुत प्रभावशाली संकेत है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कांग्रेस हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करती है तो 9 साल में कुछ सरकार ने काम भी किए होंगे, तो आपको क्या लगता है, आपने सवाल तो खड़े किए ही हैं, अगर इस 9 सालों के काम को 10 में एक काम तो 9 साल में हुआ है, एक काम तो हुआ है कि जो यूपीए के समय कार्यक्रम थे, जो परियोजनाएं थी, उनको नया नाम दिया गया, एक काम तो हुआ है। हमारे यूपीए के समय
निर्मल भारत अभियान हुआ और प्रधानमंत्री आए और पिछले 9 साल में स्वच्छ भारत अभियान हुआ। यूपीए के कार्यकाल में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA था, प्रधानमंत्री आए जनधन योजना बन गया। ऐसे में कई मिसाल गिना सकता हूं। तो एक चीज जरूर हुआ है कि जो कार्यक्रम थे, जो योजनाएं थी, उनको एक नया ब्रांडिंग, एक नया नाम दिया है और प्रधानमंत्री खुद प्रचार मंत्री बन गए इन कार्यक्रमों के लिए। मार्केटिंग के लिए जरूर हमारे यूपीए के कार्यकाल में भी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना हुआ करता था, उसको उज्ज्वला नाम दे दिया। तो नाम देने में, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में पिछले 9 साल में बहुत उपलब्धियां हुई है। नहीं, नंबर नहीं दूंगा मैं, पर मार्केटिंग ब्रांडिंग में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ काम किया है और हमें सीखने को भी मिला है। विदेश नीति के संदर्भ में अभी हर बच्चा जानता है हमारे देश में a² + b² a + b² = a² + b² + 2ab, ये 2ab क्या है, हर बच्चा जानता है अभी, सरकारी स्कूलों में, निजी स्कूलों में, ये 2ab क्या है पूछते रहता है। बहुत उपलब्धियां हुई है सर। जयराम जी, पर एक चीज मैं कहूं, 19 जून 2020 का क्लीन चिट प्रधानमंत्री का देना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ है। चीन के साथ जो हमारा नेगोशिएटिंग पोजीशन है वो कमजोर हुआ है और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको क्लीन चिट दे दी, खुद क्लीन चिट दे दी। जहां चुप रहना चाहिए वो क्लीन चिट दे देते हैं और जहां चुप्पी तोड़नी चाहिए वो कुछ बोलते नहीं। हाँ जी जी सर, जैनेन्द्र, यस सर, सर किससे संदर्भ में? जी सर, सर विपक्ष के तौर पर आकर और अपना सर विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं, सरकार की जो खामियां हैं आपके मुताबिक वो उजागर की हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं तस्वीरें सर कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को बॉस बोलते हैं, ये भी हम तस्वीरें देखते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, तो इसको पेश किया जाता है कि देखिए इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली है, देश इतना मजबूत हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, इन तस्वीरों पर और इस धारणा पर आप क्या कहेंगे? देखिए एक तो मैं कह दूं कि हर एक प्रधानमंत्री को अलग अलग देश में जाना जरूरी होता है, पर नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने विदेश यात्रा में घरेलू मामलों को मुद्दा बना दिया है। यहां की राजनीति, यहां के जो हमारे मतभेद हैं वो अलग अलग देशों में जाकर प्रचार करते हैं, ये तो पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री जाया करते थे। आपने बॉस का सवाल उठाया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा एक स्टेडियम में, और ज्यादातर स्टेडियम यहां से गई थी, वहां यहीं के लोग थे, और क्राउड को देखकर प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने कहा हमारे प्रधानमंत्री को बॉस। मैं भी था 8 दिसंबर 2009 को कोपेनहेगन में, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह जी को गले लगाकर कहा यू आर माय गुरु। मैं खुद मौजूद हूं, मैं कुछ गवाह हूं। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कहा यू आर माय गुरु। तो ये सब चलता रहता है। सवाल ये है, मूल सवाल, मूल प्रश्न ये है
कि हमारे संबंध चीन के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान तो अलग है, भूटान के साथ क्या परिवर्तन हुआ है? क्या उसमें कोई हमें कोई अलग चीज देखने को मिली है? अमेरिका के साथ हम गहरे संबंध चाहते हैं, यूरोप के साथ भी हम संबंध चाहते हैं, पर अपने आप को विश्वगुरु के रूप में देखना मैंने कभी कोई पहले प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। और ये G20 का जो तमाशा इन्होंने करके दिखाया है, G20 में 20 देश हैं, 20 सदस्य हैं, हर एक देश में हर साल ये मीटिंग होती है, 18 देशों में मीटिंग हो चुका है, 19वां देश भारत है, इसमें क्या है उपलब्धि? होना ही था, एक दिन होना ही था, हुआ है, अच्छा है। तो ये विदेश की नीति में मैं समझता हूं सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सोचनी चाहिए कि चीन के साथ पिछले 3 साल में जो संबंध बिगड़े हैं और जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दिया है, इसका नतीजा हमारे देश पर क्या हुआ है, हमारी कूटनीति पर क्या हुआ है? हाजी सर, सेंगोल इशू, वन सेकेंड, हेलो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जिक्र इसमें है, आप देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत चोट पहुंचाया गया है पिछले 9 सालों में। मैं आपको कई मिसाल दे सकता हूं, चुने हुए सरकार गिराए गए हैं, राजनीतिक जो विरोधी हैं उनके खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति अपनाई गई है, और जो विषय राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी वो अभी केंद्र सरकार ने हड़प ली है। और मिसाल के तौर से सहकारी संस्थाएं, पहली बार आपने देखा होगा पिछले साल एक नया मंत्रालय खोला गया, का गठन हुआ, सहकारी मंत्रालय। पुराने जमाने में वो मंत्रालय का नाम हुआ करता था कृषि और सहकारी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। पिछले 1.5 साल से हमारे गृहमंत्री इस मंत्रालय के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि सहकारी संस्था गृहमंत्री से जुड़ा गया है। क्यों? क्योंकि सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल कोऑपरेटिव पर जो आज राज्य सरकारों की है वो केंद्र सरकार की होगी। कर्नाटक में एक बड़ा मुद्दा क्या था, चुनावी मुद्दा, कि नंदिनी ब्रांड को मिटाने के लिए अभी अमूल को रास्ता खोला गया है। परसों या कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री को एक खत लिखा है कि हमारे दूध का ब्रांड तमिलनाडु में आविन उस पर हमला कर रहा है, कहा आप कर रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात तो प्रधानमंत्री ने की, पर हकीकत जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बिल्कुल विपरीत है। और नीति आयोग कि जो भूमिका होनी चाहिए थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और मजबूत करने के लिए वो नहीं हो पाया है, क्योंकि नीति आयोग भी प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अंग बन चुका है। जब कांग्रेस की सरकार थी 1950 से योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, पर थोड़ी दूरी से वो काम करता था, सरकार की भी आलोचना हुआ करती थी,
पर नीति आयोग तो बिल्कुल प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अंग बन चुका है। तो इन हालातों में मैं समझता हूं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक नारा रेत बन गया है, और केंद्रीयकरण जो विषय राज्यों को संविधान ने अधिकार दिया है वही विषय अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन रही है। ये गलत रास्ता है। You tweeted in the morning, but there has been a rebuttal which has come in. Nothing from on this. No. I'm taking questions you on this. You finish on that now. I'll take that later. सर सेंगोल पर सवाल था। नहीं सेंगोल पर नहीं है, आप विषय पर पूछिए। विषय पर पूछिए। कोई डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, विषय पर पूछिए। हाँ 9 साल पर। हाँ 9 साल पे जो 9 सवाल आपने पूछे, 9 साल हो गए मोदी सरकार के, उसी 9 साल के अंदर एक राजदंड जो है पार्लियामेंट के अंदर उसको साबित करने की बात हुई है। सवाल क्या है? मैं अपने ये ट्वीट के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, और कोई सवाल इस पर नहीं है क्या शमीन? कोशिश अच्छा था। हाईएस्ट सिंबल्स ऑफ फेडरलिज्म इज राज्यसभा। In the inauguration of this parliament building, we don't see the representation of Rajya Sabha, as in Rajya Sabha chairman's name is not there. Do you see it as an insult to Rajya Sabha and devaluation of Rajya Sabha? All institutions have been devalued in the last 9 years. All constitutional authorities have been devalued. All investigative agencies have been misused. There has been a consistent effort to orchestrate a confrontation with the judiciary, a consistent effort. So the devaluation of institution, I don't want to get into take institution name one by one, but all constitutional authorities, there has been a systematic attempt to undermine the independence and professionalism of all constitutional and other legal authorities. सर हाँ जी, नहीं सर आपने नहीं। सर आपने चाइना को लाल बिल्कुल नहीं सर हाँ। आपने चाइना को लाल आंखें दिखाने की और कुछ सर पूछ तो रहा हूँ आप जवाब। आपने चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात कही, आपने कहा आतंकवाद के मुद्दे पर चोट करने की बात कही। बीजेपी का कुछ दिन पहले ही टेक आया था कि जब राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो वो बीजेपी की ही सफलता का पर्याय था। सवाल इसका जवाब बहुत बारी मैं दे चुका हूँ। अगला सवाल। नहीं बिल्कुल नहीं, डाइवर्ट मत कीजिएगा। मिस्टर जयराम, ओके थैंक यू मिस्टर जयराम रमेश। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखन ले सब्सक्राइब करो चैनल काशी टीवी। हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन, लाइक करो फेसबुक पेज काशी टीवी।